नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें तेजी आई थी, मामला 2000 के पार पहुंच गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। आपको बताते चले कि आज पटना नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आने वाले थे और ऐसे में इस समारोह में, इस आयोजन में नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मंच साझा करने वाले थे। ये बड़ी बात है। हालांकि पिछले कई दिनों से पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कई सारी तैयारियां चल रही है। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी गलती से चूक ना हो। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है, ये डराने वाले आंकड़े हैं। और अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बताते चले कि आज जो कार्यक्रम रखा गया था, शताब्दी समारोह का जो समापन है, उसमें देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं और आज शाम में पूरा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज जो बिहार के डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, जो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आज वो मंच भी साझा करने वाले थे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज तो तारकिशोर प्रसाद मंच साझा नहीं कर पाएंगे, ना ही वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएंगे। और उसके बावजूद भी जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं या जो माननीय लोग आज शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले हैं, शताब्दी समारोह के समापन में जो आज शिरकत करने वाले हैं, उनकी आज जो है टेस्टिंग वगैरह भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल कर आई कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब ऐसे में सारे जो विधायक होंगे, जो भी माननीय जो इस शताब्दी समारोह के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा लेंगे, उनकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों, खास करके अगर बात हम पटना की करें, तो कोरोना संक्रमण ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। बिहार में सबसे ज़्यादा संक्रमण के जो मामले हैं वो पटना से ही निकल कर आ रहे हैं। बिहार के कई ऐसे भी जिले हैं जहां एक भी संक्रमण का मामला नहीं है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि आज तारकिशोर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा करने वाले थे। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार झारखंड के दौरे पे है। आज सुबह सुबह वो देवघर जाएंगे, देवघर में वहाँ पर एयरपोर्ट जो बना है उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद वो बाबा की नगरी जाकर, बाबा के दरबार में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके बाद वो पटना के लिए रवाना होंगे। अब ऐसे में जब आज शाम में वो पटना आने वाले थे, तो उनके साथ कई नेता हैं जो मंच साझा करने वाले हैं, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का भी नाम था। अब ऐसे में वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ना तो आज वो मंच साझा कर पाएंगे, ना ही इस कार्यक्रम में जा पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, उस पर लगाम कब लग पाती है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।